स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं राजगढ़ की खबरों की ओर। जैसे जैसे आगामी त्योहार आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आमजन की सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की फैक्ट्री पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं राजगढ़ जिला मुख्यालय में कलेक्टर हर्ष दीक्षित के निर्देशन में आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लगातार छापेमार कार्यवाही की जा रही है। पहली कार्यवाही जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर करेड़ी गांव में स्थित तेल की फैक्ट्री गोदाम व दूसरी राजगढ़ जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री अंकित ऑयल रिफाइंड फैक्ट्री पर खाद्य विभाग, राजस्व व पुलिस विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त छापेमार कार्यवाही कर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई है। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में करेड़ी व मोतीपुरा में स्थित तेल फैक्ट्री पर जिला पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई है, जिसमें करेड़ी में स्थित तेल फैक्ट्री में सोया कंपनी के ब्रांड का पंजीयन कराकर अन्य कंपनियों के ब्रांड कृति के नाम से पैकिंग की जा रही थी, जो इंदौर की ब्रांड कंपनी के नाम से बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूर ग्राम मोतीपुरा में स्थित तेल रिफाइंड फैक्ट्री से भी तेल के सैंपल लिए गए हैं व एक अन्य ब्रांड भी जब्त किया गया है, जिसका पंजीयन संबंधित के पास उपलब्ध नहीं है, जो प्रोसेस में है। संबंधित दोनों तेल फैक्ट्री के संचालकों से दस्तावेजों की मांग की गई है, जिसके पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी। सर, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन अभी जो है उसमें है, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस में है, तो क्या ये नहीं कर सकती क्या जब तक? ये तो अंडर प्रोसीडिंग का मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन अभी वर्तमान में इनको ये ब्रांड पैक करने का लीगल तौर पर राइट नहीं। सर, ये दीपावली को लेकर जो पुलिस टीम ने जो तेल जहाँ बनता है नकली तेल वगैरह, इस पर छापेमार कार्रवाई की आज कहाँ पर कितनी हुई? आज सूचना मिली थी एक जगह करेड़ी जिला राजगढ़ में, जहां पर नकली तेल बनाया जा रहा था, इसके संबंध में पुलिस की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। वहां पर करीबन 10 बड़े बैरल और 7 खाली बैरल, साथ ही 15 लीटर, 5 लीटर और 2 लीटर के बहुत सारे डब्बे, जिनकी अभी गिनती जारी है, इसमें नकली तेल पैक करके भरा जा रहा था। वहाँ पर पैकिंग मशीन, नकली रैपर्स और जो डब्बे हैं वो काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इसी के साथ 3 जगह और सूचना हम लोगों को मिली थी, 3 जगह पर भी सफलता प्राप्त हुई है। एक जगह राजगढ़ खेड़ी में और 2 जगह खिलचीपुर में, वहाँ पर भी 3 जगह इसी तरह का नकली तेल के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर काफ़ी मात्रा में तेल अभी वहाँ जब्त किया जा रहा है। तत्काल ही कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया और फूड अधिकारी जो मौके पर पहुँचे हैं उनके माध्यम से वहाँ पर अभी जब्ती की कार्रवाई जारी है, जो देर रात तक चलेगी और चारों में जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस वो की जाएगी। सर, इसमें कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें अभी? क्योंकि चारों जगह पे हमने छापा मारा है, तो जो संलिप्त लोग हैं उनके बारे में हमें जानकारी है, परंतु अभी पूरी जब्ती की, क्योंकि अभी ये एक साथ ही चारों जगह कार्रवाई है, तो हमारी टीमें चारों जगह पर मौजूद है। उसमें जब्ती होने के बाद जो पूरा रिपोर्ट होगा उसके बाद ही इसमें आगे जो कार्रवाई होगी वो बताया जाना संभव होगा।